पेट्रोल पे मत बोलो, पेट्रोल पे बोलना बेकार ही है। हाँ ये तो है, बराबर है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, सीधी सीधी बात। और 10 दिन ये और 10-15 दिन और मैं तो बोलता हूँ ट्रांसपोर्ट वाले ने हफ्ता लटाना ही नहीं चाहिए। जो जो काम अपोजिशन नहीं कर सकती है वो पब्लिक कर सकती है। ट्रांसपोर्ट अगर बंद है तो पूरा जनजीवन पूरा ध्वस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट नीचे आ जाएगी। यू हैव टू टेक द गवर्नमेंट डाउन। आप पब्लिक की तरफ से बोल रहे हैं? पब्लिक की तरफ से बोल, पॉलिटिकल बोल रहे हैं? नो नो नो, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। दूसरा पेट्रोल पंप का क्या हाल है? दूसरा तीसरे सातवें पेट्रोल पंप टंकी पे आए, सातवें पेट्रोल पंप, सातवें। कहाँ कहाँ गया पेट्रोल पे? बिहार गया, बसई फाटा गया, सिरसाब फाटा भी गया, आधाबड़ी रेंज ऑफिस और बसई ईस्ट गया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। क्या दोस्तों देश में इस समय सिर्फ से लॉकडाउन लगा है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? तो सवाल हम सभी जानते हैं कि इस समय देश में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल है। तो सरकार ने जो नया कानून हिट एंड रन कानून अभी पास किया है उसको लेकर ट्रांसपोर्ट यूनियन हड़ताल पर है। पेट्रोल हो या दूसरी आवश्यक सामग्री हो इस समय अवेलेबल नहीं हो पा रही है। खास करके पेट्रोल की कमी का असर अब शहरों में दिखने लगा है। इस समय हम बसरी के एस्टेरा पेट्रोल पंप पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए कितनी लंबी लाइन लोगों की लगी हुई है। ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप की एक साइड में, इस तरफ हमारे राइट साइड में लंबी लाइन है। लोग पेट्रोल के इंतजार में कहीं समय से खड़े हैं, उनको ये इंतजार है कि हमको पेट्रोल मिल जाए। वहीं लेफ्ट साइड में फोर व्हीलर, जहां राइट साइड में टू व्हीलर और ऑटो थ्री व्हीलर है, वहीं लेफ्ट साइड में फोर व्हीलर है, वो पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। एक डेढ़ घंटे से ज्यादा समय जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इस स्टेला पेट्रोल पंप पर फिलहाल पेट्रोल है अवेलेबल। हमने रुक किया था वसई शाकेश्वर पेट्रोल पंप का, वहाँ पर पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। उन्होंने वहाँ बकायदा बोर्ड लगा के रखा है कि ड्यू टू स्ट्राइक पेट्रोल डीजल नॉट अवेलेबल। ऐसा ही हाल कुछ वसई माणिकपुर पेट्रोल पंप का है, जहाँ भी इस समय पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। यहाँ भी इस पेट्रोल पंप पर रात को भी, कल रात को भी कुछ पब्लिक में आपस में झड़प हुई थी, उस कारण यहाँ पुलिस का बंदोबस्त कराया गया है। एक पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं और उनकी निगरानी में बकायदा लाइन लगाकर यहाँ लोगों को पेट्रोल दिया जाए। हम सभी जानते हैं पिछले 2 दिनों से जो स्ट्राइक पेट्रोल और टैंकर यूनियन ने बुलाई हुई है सरकार के कानून के खिलाफ, उसका असर है। और कहीं ना कहीं इससे पूरा का पूरा शहर जो है अब सामने की कगार पे आ रहा है, जहाँ अगर ट्रांसपोर्ट के कहीं साधन नहीं मिलेंगे तो लोग आवाजाही कैसे करेंगे, यहाँ से वहाँ आएंगे जाएंगे कैसे। फिलहाल अभी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट शुरू है, लेकिन क्या आने वाले समय में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को भी फ्यूल, डीजल और पेट्रोल मिल पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। इसी के लिए कहीं न कहीं लोग यहाँ परेशान है और अपने वाहन में, अपने व्हीकल में पेट्रोल जल्दी से भराने के लिए लोग घरों से बाहर पड़ रहे हैं। जिस जैसे जैसे लोगों को यह खबर मिल रही है कि पेट्रोल की कमी हो रही है, पेट्रोल नहीं है, वैसे वैसे इस स्टेला पेट्रोल पंप पर भीड़ बढ़ते ही चली जा रही है। तो यह हाल है इस समय अभी यहाँ वसई का। हमने रुक किया था जैसा आपको हमने बताया सागरशेट पेट्रोल पंप का, आप विजुअल में देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम अभी आपको विजुअल दिखा रहे हैं मणिपुर पेट्रोल पंप का। तो कहीं ना कहीं कल के दिन में जो हुआ चक्का जाम हुआ हाईवे पर, पुलिस में और लोगों में चक्का जाम करने वाले में झड़प भी हुई, उसके बाद आज दूसरा एक मामला यहाँ सामने आ रहा है। तो आज के लिए इस समय काफी सोचने की बात है कि सरकार इस तरह से कानून लाती है और उसके विरोध में अगर लोग इस तरह से सड़कों पर उतरते हैं तो क्या हालात दूसरे लोगों को भुगतनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की गलत नीतियों का विरोध हो रहा है और उस विरोध के चलते आम आदमी परेशान हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। आपका नाम क्या है? अनुश्री। आपको पेट्रोल भराने आए तो कितना समय आपको हो गया? लाइन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, तो ऐसी क्या आपको जरूरत काम करी आप पेट्रोल के लिए आज ही आए? अरे पेट्रोल तो लगता ही है ना, इमरजेंसी है, बच्चे घर में है, कहीं भी आज तक तो पेट्रोल के बिना चलता है, गैस के बिना नहीं चलता है। अलावा कहीं पेट्रोल पंप आपको गए हैं आपके? नहीं। होता सर, आप कितना समय से वेट कर रहे हैं पेट्रोल के लिए? 45 मिनट। आप और कहीं पेट्रोल पंप गए थे? गए थे, पूरा बंद है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सही नाम है भाई। कब से खड़े हो पेट्रोल की लाइन? 2 घंटे से। 2 घंटे से खड़े हो? कितना पेट्रोल चाहिए आपको? क्या वो पूरा टाइम छुटते थे? क्यों अभी कल मिले नहीं मिले तो आज करके देगा ना?
राजेश सर, कब से आप लाइन में खड़े हैं, कब से आपको पेट्रोल मिला? डेढ़ घंटा हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी सिंह है। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल नहीं मिल रहा है? बहुत परेशानी। तुम्हारे जॉब का टाइमिंग क्या है? मेरा जॉब का टाइम 9:30 है, अभी तक मैं लाइन में हूं। अभी तक लाइन में हूं। आपको कितना टाइम जाता है जॉब पे जाने में? ऑफिस से फोन पे फोन आ रहा है। तो सर आप आपको कितनी तकलीफ हो रही है इस चीज को लेकर? बहुत तकलीफ है। राम कुमार राज सर, कितने समय से आप पेट्रोल की लाइन में खड़े हैं? घंटा हो गया। तो आपका पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, आपका रिक्शा इतने समय से खाली है, तो कितना नुकसान आपको हो रहा है? बहुत लॉस हो रहा है। अभी अगर आपको टाइम का आप बताने गए, आप वहाँ जाकर खाली हो बोलेंगे नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे बच्चे आप खड़े करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? आपका पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? क्या नाम है सर? बाबूलाल विश्वकर्मा। किस तरह की परेशानी हो रही है पेट्रोल? परेशानी क्या, दो दो घंटा हो गया लाइन में, अभी पेट्रोल मिला नहीं। अगर वहाँ जाते जाते हम नहीं पाएंगे तो हमारा भी एकदम वही है। दूसरे पेट्रोल पंप का क्या हाल है? दूसरा तीसरे सातवें पेट्रोल टंकी पे आए। सातवें पेट्रोल पंप? सातवें। कहाँ कहाँ गया पेट्रोल पे? बिहार गया, बस फाटा गया, सिरसा फाटा भी गया, आधाबड़ी रेंज ऑफिस और बस ईस्ट भी है, वो भी किसी पे भी पेट्रोल नहीं है। सिर्फ पेट्रोल लेने के लिए आपने कहीं पेट्रोल फूंक दिया अभी तक? नहीं फूंका नहीं, ऐसा नहीं, गलत फूंक नहीं था, मतलब पेट्रोल है ही नहीं। नहीं नहीं, आपकी गाड़ी का पेट्रोल जला ना आपने इतना? पेट्रोल पे मत बोलो, पेट्रोल पे मत बोलो, पेट्रोल पे बोलना बेकार ही है। हाँ बराबर है, ईवीएम हटाओ, तेज बचाओ, सीधी सीधी बात। और दस दिन ये और 10-15 दिन और मैं तो बोलता हूँ ट्रांसपोर्ट वाले ने हफ्ता लटाना ही नहीं चाहिए। जो काम अपोजिशन नहीं कर सकती है वो पब्लिक कर सकती है। ट्रांसपोर्ट अगर बंद है तो पूरा जनजीवन पूरा ध्वस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट नीचे आ जाएगी। यू हैव टू टेक द गवर्नमेंट डाउन। आप पब्लिक की तरफ से बोल रहे हैं? पब्लिक की तरफ से बोल रहे, पॉलिटिकल बोल रहे हैं? नो, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सर क्या कहेंगे, सिर्फ आपके ही इधर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है, और परिस्थिति कैसी है? परिस्थिति तो ठीक है, और अभी आगे जाके ये भी स्टॉक है तभी तक चलेगा। कितना स्टॉक है, कहाँ तक चलेगा? अंदाज से 20,000 लीटर है। तो आज के दिन, कल के दिन कितना टाइम से? कल तक चलेगा, कल तक चलेगा। यहाँ लाइन कितनी लंबी है, लोगों को दिक्कत हो रही है, और जगह भी नहीं है, तो आपको किस तरह से परेशानी? लाइन क्योंकि रिक्शा कार सब और वसे में कहा भी अभी फ्री नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। आपको किस तरह से कुछ दिक्कतें आ रही है? नहीं दिक्कतें तो लाइन की वजह से आ रही है, लोग लाइन लगाएंगे फिर और छोड़ देते फिर घुसते। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।